फरीदाबाद को दो दिनों में झोली भरकर खुशियों की सौगात मिली है। पहले केंद्र की बंपर योजनाओं का लाभ, फिर मनोहर सपने से बना एनआईटी स्थित बस स्टैंड, जिसे अब जनता को समर्पित कर दिया गया है। पीपीपी मॉडल पर 130 करोड़ की लागत से बना ये बस स्टैंड सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। हमारी जो सुपर लग्जरी बसें हैं, अभी वो चंडीगढ़ से गुड़गांव, चंडीगढ़ से दिल्ली, ये ज़्यादातर चलती हैं। बाकी बसों, बाकी रूट्स भी उस पर ठीक उसकी एवरेज आ जाए, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और अब से जैसा ही हमारी नई बसें आएंगी, चाहे वो वॉल्वो की होंगी अथवा और हमारी जो सुपर लग्जरी बसें होंगी, उसमें फरीदाबाद से भी ये रूट जो है इस प्रकार से बनाए जाएंगे। और चंडीगढ़ से सिरसा, चंडीगढ़ से हिसार, चंडीगढ़ से रोहतक और ऐसे ही दिल्ली से सिरसा, दिल्ली से हिसार, इन रूट्स पर भी ऐसी अच्छी बसें के चलाने का ये हमारा अगला कार्यक्रम है, ताकि लोगों को सुविधा अच्छी मिल जाए। पंचकुला में एक ट्रांसपोर्ट भवन 107 करोड़ रुपया लगा करके अलग से डिपार्टमेंट का एक भवन बनेगा, ताकि ट्रांसपोर्ट की सारी गतिविधियां पंचकुला के उस भवन से चल सके। 22 के 22 जिलों में हमारे डिपार्टमेंटल ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल, जो ड्राइवर्स की जहां ट्रेनिंग होती है हैवी व्हीकल ड्राइवर्स की, उनके ट्रेनिंग स्कूलों में भी व्यवस्थाएं अच्छी की जा रही हैं और उसमें हर वर्ष अच्छे ड्राइवर निकल करके और उसको सर्टिफिकेट करके लेते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा रोडवेज यात्रियों के लिए भरोसे का प्रतीक है और इसके लिए सभी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। हरियाणा रोडवेज की सेवा को एक बहुत अच्छी सेवा मानी जाती है। अगर दो रोडवेज की प्रदेशों की अलग अलग बसें हों, तो सबसे पहले हरियाणा रोडवेज की बसों में ही लोग बैठते हैं। इसलिए मैं हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, रोडवेज के जितने अधिकारी हैं उस डिपार्टमेंट के, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, इसी प्रकार की सेवाएं अपनी बना करके रखें। आपको बता दें कि इस बस स्टैंड में 17 बस काउंटर बनाए गए हैं, जहां से 8 से 10 राज्यों के लिए बसें चलेंगी। बस स्टैंड में यात्रियों के बैठने के लिए वातानुकूलित गैलरी बनाई गई है, जिसमें आरामदायक कुर्सियों की व्यवस्था है। इसके अलावा आधुनिक शौचालय, पीने के लिए आरओ का ठंडा पानी, सामान रखने के लिए क्लॉक रूम, खाने के लिए विशेष व्यवस्था होगी। साथ ही पूरा बस स्टैंड सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा। बस अड्डे के नीचे वाहनों की पार्किंग में 1000 गाड़ियों को खड़ी करने की व्यवस्था की गई है। मीडिया से मुखातिब सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले दिनों में सभी बस स्टैंड आधुनिक होंगे, ताकि किसी भी यात्री को कोई परेशानी न हो। सूर्या समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।